हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। उद्योग निरीक्षक का जो एग्जाम है वो आने वाला है, जस्ट 2-3 दिन बचे हैं अपने पास। और इस एग्जाम के लिए ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आएगा। इस एग्जाम की कट ऑफ का, इस एग्जाम की जो आंसर की है वो सबसे पहले हम इसका वीडियो बना करके डाल देंगे। आपको करना यह है, जैसे ही आप एग्जाम देने पहुंचे, एग्जाम देने के जस्ट बाद मैं एक नंबर आपको लिखवाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 8947017719। इस पे आपको स्कैन करके आपका पेपर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर ये है हमारे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको आंसर की मिल जाएगी। सबसे पहले हम ही प्रोवाइड कराते हैं, पिछले 2 एग्जाम्स भी हमने करवाई थी। इन टॉपिक्स को अगर आप रिविजन करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आपका फायदा हो सकता है। अब डेफिनेटली फायदे का मतलब ये कि ये टॉपिक से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। डेफिनेटली फायदा तो ये नहीं है कि मैं खुद पेपर बना रहा हूँ और डेफिनेटली यही पेपर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे प्रश्न बन के आता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि ये जो समय है अभी टॉपिक कवर करने का समय नहीं है। देखो, ये समय जो है रिविजन करने का समय है, लेकिन क्या है कि आपका जो है टाइम था वो कुछ और था, बाद में बोर्ड ने चालाकी से कुछ और टाइम कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक भी जो उसका टाइम है वो मैनेजमेंट नहीं किया है और कुछ एक टॉपिक छोड़ दिए हैं, तो इनको दोबारा पढ़ भी सकता है। ये टॉपिक से अक्सर ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इनको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात, ये ऐसे टॉपिक है जो आप चाहें तो एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे में तैयार कर सकते हैं, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत सारे इन टॉपिक्स के वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं देने वाला। कारण यह है, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। और दिक्कत यह है कि जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सभी के वीडियो लगभग हमने भी डाल रखे हैं और ने भी डाल रखे हैं, तो किसी और के चैनल पे है वहां पे अच्छी तरीके से समझा रखा है, वहां भी देख सकते हैं। कहीं से भी आपको मतलब पास होना मेन मोटिव अपना होना चाहिए, ठीक है ना। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राजस्थान की स्थापत्य कला से कई बार प्रश्न बने हैं, डेफिनेटली इस बार भी बन सकते हैं। ज्यादातर आपको फोकस जो करना है राजस्थान पे करना है, राजस्थान का आपका बहुत ज्यादा मटेरियल आने वाला है, इंडिया को देखना तक नहीं है। करंट अफेयर जो है वो भी राजस्थान का ही करना है। अब राजस्थान का करंट अफेयर कैसे करना है मैं बताने वाला हूँ। किले और स्मारक करना है, लोक देवता, दोस्तों ज्यादा लोक देवता नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। मारवाड़ के पंचपीर हैं, उनको याद करना है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे संबंधित ही देवता है, ज्यादा लोक देवता अपने पास नहीं है। आगे देखें तो क्षेत्रों के नाम और बोलियां, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है, कांटल क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, मेवात क्षेत्र कौन सा है, और आगे बात करूं तो मैं मालवा कौन सा क्षेत्र में से पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको लिंक करके याद रखना है, ठीक है ना। एक ढूंढाड़ क्षेत्र भी आता है, तो इस प्रकार से सारे क्षेत्रों के नाम और उनकी बोलियां, ढूंढाड़ी एक अलग बोली चलती है, सैखावाटी अलग बोली चलती है, क्षेत्रों के नाम और बोलियां अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और पर्यटन स्थल है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो पर्यटन स्थल का तो स्पेसिफिक अपने पास कुछ एक नाम है, उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, और कोई खास है नहीं। और दुर्ग जरूर पढ़ लेना आप, दुर्ग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 5 दुर्ग ऐसे हैं जिनका वर्ल्ड हेरिटेज में नाम आता है, यूनेस्को की जो संस्था है उसमें विश्व विरासत में उनको जोड़ रखा है। एक अपना कुंभलगढ़ का दुर्ग है, एक अपना जो है आमेर का किला है, एक रणथंभौर का है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और भी है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। मेले और त्योहार, लोक गीत और नृत्य। अब दोस्तों ये पढ़ने में बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन मेले त्योहार देख रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ऑनलाइन चैनल चला रखे हैं, हमने भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन डाल रखी है, तो एक लेक्चर में खत्म कर रखा है। आप अगर कोचिंग भी करे हो तो एक लेक्चर, 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं लेते इस टॉपिक पे, तो डेफिनेटली 1 से 2 घंटे में मतलब ये तैयार हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि कोई व्यक्ति है जो इसको तैयार करेगा, कोई व्यक्ति है जिसने पहले तैयार कर रखा उसको रिवीजन करेगा, तो रिवीजन करने वालों के लिए बता दो आधे घंटे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो रिवीजन करने वाला होगा उसको डेफिनेटली फायदा होगा ही, और जो पहली बार तैयार करेगा उसको डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ आपके इसी में आएंगे, 1000 वैकेंसी निकली हुई है, सभी वैकेंसी में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। राजस्थान के खनिज है, एक वीडियो मात्र है, हमने अपलोड कर रखा है, आप सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं, अलग अलग लोगों ने कर रखा। आप किताब जो है LR भल्ला साहब की, वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन किताब में बहुत ज्यादा मटेरियल दे रखा है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में हमने अपलोड कर रखा है। कृषि के बारे में, राजस्थान की कृषि का भी एक वीडियो हमने डाल रखा है, कृषि के लिए आप तैयार कर सकते हैं, राजस्थान की कृषि की क्या आंकड़े, डेफिनेटली प्रश्न बनता है यहाँ पर, और आपकी जो भर्ती है उद्योग से संबंधित है, डेफिनेटली यहाँ पर उस प्रकार का प्रश्न बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जो जिस प्रकार की पोस्ट होगी, जिस प्रकार का काम उसके अंदर आएगा, उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सूचना सहायक का पेपर था तो उसमें डेफिनेटली आई स्टार्ट का क्वेश्चन पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि राजस्थान में चलने वाला एक मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, उस प्रकार से उसमें सारी चीजें हो रही है, और वो उसी टाइम के सामने घटना से रिलेटेड था, इसलिए पूछा गया। अगर मान लीजिए
संगणक का एग्जाम अभी हुआ और उसमें पूछा गया कि जो है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो पूछा जाने वाला प्रश्न था। क्यों नहीं पूछा जाएगा वो प्रश्न, क्योंकि आप एग्जाम में जब स्टेटिक्स का दे रहे हैं तो वो प्रश्न आएगा ही। इसी प्रकार से कृषि का प्रश्न आपके आ सकता है। और आगे मैं देखूं स्थिति एवं विस्तार राजस्थान का अक्सर पूछा जाता है, ज्यादा याद नहीं, ये याद रखना सबसे कम छोटा जिला कौन सा है, मध्य में कौन सा जिला पड़ता है, सबसे ज्यादा कौन से जिले टच करते हैं दूसरे जिले, कौन सा सबसे अधिक क्षेत्र है, एमपी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन से जिले से टच करता है, और विश्व का सबसे कम क्षेत्र कौन से जिले से टच करता है, जो कि आप देखते हैं पाकिस्तान का क्षेत्र टच करता है वो है जैसलमेर टाइप से। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। मृदा में काली मृदा को तो रटी लेना, बाकी और की मैं नहीं कहता, काली मृदा से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। ये आपके कोटा बूंदी संभाग जो है ये क्षेत्र में पड़ती है, और हाड़ोती में ज्यादातर काली मृदा पाई जाती है, ठीक है ना, ये बहुत काम की मृदा है, चिकनी होती है। आगे देखें तो राजस्थान के उद्योग, ज्यादा उद्योग राजस्थान वैसे ही नहीं, अगर हो तो हमें नौकरी मिल जाती प्राइवेट में भी, ठीक नहीं है, बहुत सारे राजस्थान के लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। कारण क्या है, राजस्थान में उद्योग नहीं है। पुणे में कभी आपने देखा बेरोजगारी है? नहीं है। दिल्ली में बेरोजगारी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, वहाँ उद्योग इतने ज्यादा, राजस्थान के उद्योग नहीं है, बहुत कम है। आप याद कर सकते हैं तमाम सरकारी योजनाएं जो राजस्थान और उनसे संबंधित पोर्टल, इनको रट लेना, कन्फर्म कर रहा हूँ, दो प्रश्न पिछले दो एग्जामों में दो दो बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम में दो पोर्टल में प्रश्न बने, एक एग्जाम में मोबाइल ऐप जो था सूचना सहायक में प्रश्न बना, तो आपके भी बनेंगे, ध्यान रख लेना। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहे हैं, किस प्रकार की योजनाएं संचालित है, कितनी कितनी दर है जनगणना के अनुसार 2010 की, वो आप रट लेना, कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट भी आए हैं तो बहुत सारी चीजें निकल निकल करके सामने आई। एक ये याद कर लेना कि अभी जो योगा दिवस मनाया गया है, जस्ट अभी मनाया गया, उसमें रामदेव जी ने आए थे कोटा के क्षेत्र में, और कोटा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। उनका आंकड़ा क्या है, कितने लोगों ने किया, 2 लाख से भी कम होंगे कि ज्यादा होंगे, जो एग्जैक्ट आंकड़ा अखबारों में मिल गया होगा आपको वहां से देख के, नहीं मिला है तो खोजो नेट पे जाओ आप। यहाँ पे क्या है कि आज जो बोर्ड है वो ये सोच के चलता है कि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें ये नहीं पता कि आप बुक पढ़ के आ रहे हैं क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि जब से नेट आया तब से बोर्ड भी बिगड़ गया। पहले क्या था, किताबों से प्रश्न आते, तब तो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कभी कभी तो प्रश्न देख के लगता है कि ये किस प्रकार से बना है प्रश्न। सामयिक राजनीतिक घटनाएं देख लेना दोस्तों, ये क्योंकि आपके टॉपिक भी है, और इस टॉपिक में सामयिक राजनीतिक घटनाएं होती क्या है, बहुत से लोगों को तो ये पता नहीं चल रहा, तो बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक जो परिवेश है वो बदल रहा है। और जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लिया था लोक सांसद का नाम, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए आपके मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, आपके जो है टीएसपी मंत्री कौन है, टीएसपी का मतलब जानते हैं ना आप, जो ट्राइबल एरिया होता है मिनिस्ट्री, वो कौन है, इस प्रकार के जो चीजें हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती उनके बारे में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि गृह मंत्री कौन है या शिक्षा मंत्री कौन है ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि तो ये सबको पता होता है, और पूछेंगे तो सबका आंसर सही हो जाएगा, फिर फायदा ही क्या है ना, मतलब सिलेक्शन तभी होता है जब औरों का आंसर गलत हो आपका आंसर सही हो। हालांकि ये बात सही है, हम तो ये दुआ करते हैं कि आप सभी का आंसर सही हो, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी होती है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, मैंने कहा वो प्रश्न याद किए जाए जो लोगों के गलत हो, डेफिनेटली वो प्रश्न आएंगे तो मैं तो जीत ही गया। अगर मान लो वो प्रश्न आते हैं जो लोगों को भी सही है मेरे भी सही है, तो फिर तो मेरे को भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी। यही एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको फॉलो करना चाहिए। राजस्थान में सेवा क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं ये ध्यान रख लेना, ये भी पूछे जा सकते हैं। और ये मैं 15 टॉपिक आपको बताया ना, ये 15 टॉपिक पढ़ने में 15-20 घंटे ज्यादा नहीं लग रहे, 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, कर सकते हैं। और जो रिवाइज कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली उनके लिए तो फायदा ही, वो तो 1 दिन में कर देंगे इसको। आगे देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये जानते हो ना ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये आपका फिजिक्स वाला टॉपिक आ गया जो कि दैनिक विज्ञान का है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ने ला, मानव रोग पढ़ लेना, आनुवांशिक विटामिन, ये 4 टॉपिक से कन्फर्म प्रश्न बनेंगे, इसमें मेंडल के प्रश्न आ सकते हैं आनुवांशिकता के। विटामिन से एक वीडियो मैंने खुद ने बना के डाल रखा है हमारे चैनल पे, विटामिन का सर्च कर लेना आप दैनिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में, या तो मिल जाएगा आपको या वैसे सर्च कर लेना मिल जाता है टॉपिक, कोई ज्यादा नहीं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो है ये कंसेप्ट काफी ज्यादा पूछा जाता है। अभिक्रिया पूछी जाएगी, चाय अगर बनती है तो दूध किस में परिवर्तन होता है, भौतिक हुआ या रासायनिक हुआ, तो उस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। विटामिन के बारे में पूछ ले जाएंगे कि ये विटामिन पर्सनली कौन सा रोग हो रहा है, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे का टॉपिक है, कोई ज्यादा नहीं है। अनुवांशिकता भी पढ़ सकते हैं, पता होगा मेंडल जो थे उनके पिताजी कहते पादरी थे, उन्होंने क्या किया मटर के पौधे पे प्रयोग किए, बाद में पता चला कि मटर के पौधे के प्रयोग कर रहे थे, उसे पता चल गया कि तो इंसानों में भी ऐसा ही होता है, फिर दोनों की संरचना तैयार कर ली। फिर उसके बाद वो क्या है, आगे अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग किए, फिर वहां पे डार्विन का सिद्धांत आ जाता है कि कुछ अंग जो है रहते हैं, फिर वहां पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत आ जाता है, इस प्रकार से सारी चीजें हुई। तर्क शक्ति जो है, पूरी तर्क शक्ति नहीं पढ़नी इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, तर्क शक्ति लिखा हुआ है, इसमें से आपको रेंडमली
राम निवास मधुरिया की एक किताब आती है, रेंडमली कोई सी किताब ले लीजिए, राम निवास मधुरिया की किताब जो है काफी अच्छी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी किताब होगी, आज किताब खरीदने का समय नहीं है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो किताब हो उसमें से रेंडमली जो प्रश्न ईजी है, ध्यान रख लेना ये कंसेप्ट काम करता है, जो प्रश्न ईजी है उनमें से आप रेंडमली खोलो किताब, जैसे अपन खेलते नहीं थे पहले, जैसे किताब खोलते हैं उसमें जो नंबर दिखता है उसको लिखते हैं, इस प्रकार से रेंडमली किताब खोलो, जो प्रश्न आपको दिखा उसको पढ़ो, उसको सोल्व करो, वो आता है दोबारा खोलो रेंडमली, इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है, ठीक है ना, ये तरीका काम करता है, डेफिनेटली प्रश्न मिले भी हैं इससे। अब आप सोचोगे ये अंधविश्वास, अंधविश्वास कुछ नहीं है, टेक्निकल ये है कि अगर हम डायरेक्टली जाके अपने हिसाब से प्रश्न करते हैं तो होता है क्या है, वो प्रश्न अपन अपना दिमाग वही कहता है जो अपने प्रश्न को आते हैं, या वो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो अपन को नहीं आते, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। रैंडमली प्रश्न खोलने में अपन को आधे आधे टॉपिक अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं या समझ में आ जाते हैं। तो इजी इजी क्वेश्चन है, एक तर्क वाले प्रश्न जो है उनको करके जरूर जाना, क्योंकि तर्क वाले बहुत बार पूछे गए हैं कि ये राम कोटा जाता है, राम कोटा नहीं जाता है, राम कोटा जाता है तब घर पे होता है, राम घर पे होता है तब कोटा नहीं जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन से में दोनों निहित है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और डेफिनेटली छपेंगे, तो ये कर लेना। और ये जो इमेज वाला प्रश्न है वो भी एक आध प्रश्न बन सकता है, घड़ी वाला प्रश्न भी बन सकता है, तो ये देख लेना। और बाकी इजी जो प्रश्न आएंगे वो आप वैसे भी कर लेंगे, रीजनिंग में जो टफ क्वेश्चन होंगे वो वैसे भी आपसे नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है, मैं इस प्रकार से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में जो है टफ वाले क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, और बाय द वे उनको पूछा जाता है तो बोर्ड की जो है चालाकी है या आप कुछ भी कह लीजिए मूर्खता है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं जो टफ वाले होते हैं वो बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एग्जाम में अगर तुम टफ वाले रीजनिंग पूछोगे तो भाई साहब ये राजस्थान का इतना सारा मटेरियल दे रखा है, इसको बंदा कब याद करेगा, फिर आपकी रीजनिंग करता रह जाएगा, क्योंकि टफ जो है वो बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए टाइम भी कम से कम 3 घंटे का देना चाहिए एग्जाम के लिए। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार से आप देख लीजिए मैथमेटिक्स वाले पोर्शन अगर ज्यादा आते हैं, एलडीसी में ज्यादा आता है, तो वहाँ पर टाइम 3 घंटे दे रखा, पेपर को डिवाइड कर रखा, हिंदी अंग्रेजी का पोर्शन अलग दे रखा, तो इस प्रकार से पेपर की मेंटेलिटी से आप समझ सकते हैं किस प्रकार का पेपर बनेगा। कम से कम ये तो आप कर ही लें, बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सबसे मेन बात अभी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आगे भी मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको मोटिवेशनल वाली। दोस्तों परिस्थितियां सभी के साथ होती है, दिक्कतें सभी को आती है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ टाइम चेंज हुआ है तो और के साथ नहीं हुआ होगा। आपके जब आप पढ़ रहे थे तब लाइट गई हो तो ऐसा नहीं है किसी और के नहीं होगी, नहीं गई होगी, किसी और के लाइट नहीं गई होगी तो किसी और का मन नहीं किया होगा, किसी और ने डीजे बजा दिया होगा, तो डेफिनेटली हम सभी सिमिलर ही होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे आरक्षण नहीं है, तो दोस्तों मैं खुद आरक्षण से नहीं हूँ और मैं फेवर करता हूँ आरक्षण का, डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर किसी के पास नहीं है, किसी के पास है, तो जो आपको नहीं मिल रहा और जो आपको मिल रहा है, जो आपके हाथ में उसको देखिए ना आप, डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर व्यक्ति वो सेलेक्ट होकर के आते हैं जिनके पास आरक्षण नहीं होता। ये मुद्दा मैं क्यों उठा रहा हूँ, ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि एक जो आपके नेगेटिव थॉट है ना उनको निकाल दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत से मैंने ऐसे व्यक्ति देखे जिनके पास आरक्षण है फिर भी वो नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, कारण ये होता है वो सोच लेते हैं, वो आलसी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जिनके पास नहीं है वो भी बहुत बेहतरीन है, जिनके पास हैं वो भी बहुत बेहतरीन है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, हम सभी इक्वल हैं, अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात है, कुछ लोगों को ये मेरी बातें पॉलिटिकल लगती है, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली मेरा तो मोटिवेट करने का मतलब यही होता है कि लोगों में इतना जोश और जुनून भर दिया जाए ताकि वो कम से कम उस पेपर के दिन तो अपने आप को निकृष्ट फील ना करे। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट एग्जाम में जाता है और ऐसा फील कर रहा होता है कि यार मैं सबसे कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। दोस्तों ये सबसे गलत बात है, आपको सब कुछ आता है भाई, और जो आपको नहीं आता है वो किसी को नहीं आता, ये सोच के चलो डेफिनेटली तरक्की करोगे। पता है ना आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब द महान व्यक्ति भारत के हुए, उनको सपना था उनका कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊं, मैं एक एयरफोर्स में जाऊं, मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊं, लेकिन नहीं उड़ा पाए। क्यों नहीं उड़ा पाए, निकाल दिया उनको, पास ही नहीं कर पाए वो। अब ऐसा महान व्यक्ति जिसने दुनिया को सब कुछ दे दिया, उस व्यक्ति को भगवान ने पास नहीं किया। अब मैं भगवान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रियलिटी तो यही है कि इस व्यक्ति को फेल, उसको ऐसे व्यक्ति को फेल करने वाला तो कोई व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता, उनके लिए तो भगवान ने किया। तो भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप मानते हैं वाहेगुरु सब अच्छा ही करता है और आपके साथ अच्छा ही होगा। डेफिनेटली ये है कि आप क्या सोच रहे हो पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हो वो जरूरी है। एक बार लास्ट में कहना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में, जो नोटिफिकेशन के साथ आपका जो एडमिट कार्ड आया है नोटिफिकेशन के बाद में, उस एडमिट कार्ड में जितने भी पॉइंट हैं कृपया करके एक बार उनको पढ़ लें यार,
बहुत दिक्कतें होती है। मैं देखता हूँ सेंटर पे लड़कों को निकाल दिया जा रहा है। मैंने अभी एक स्टूडेंट का मेरा बात हुई थी कि उसके शादी के बाद जस्ट चला गया हो और उसने सोने की चेन ही नहीं उतारी। वहां जाने के बाद जब क्या हुआ कि उसको बुलाया गया और बोला कि आपने चेन पहन रखी, बाहर रखी है ये, अब बताइए मोबाइल थोड़ी है, सोने की चेन कितनी महंगी होती। तो इस प्रकार से देख लेना क्या ड्रेस कोड मांगा है, वैसा वैसा चले जाओ यार, नहीं तो वो दिक्कत करेंगे, मोबाइल भी छीन लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो मेरी बात मानो तो एक होटल में रूम बुक कर लो, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 500 रुपये में हो जाता है, और सारी चीजें वहां स्टॉक कर दो और आप आराम से घूमते हुए निक्कर में या कैफरी में जाओ, आराम से टी शर्ट वगैरह पहन के स्टंट मारते हुए जाओ, क्या दिक्कत है भाई। क्या है, जितने फ्री होकर एग्जाम दोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, जितना आप कंजेस्टेड होकर एग्जाम दोगे डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can see.